अभिषेक की हो रही है अंकिता लोखंडे से दोस्ती। अंकिता ने दी विक्की को ये एडवाइस। वर्ल्ड सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला। गार्डन एरिया में अंकिता, विक्की, अभिषेक और मुनव्वर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर अंकिता अभिषेक की हेयर स्टाइल की तारीफ करती हुई नजर आती है और कहती है कि अभिषेक को इसी तरीके के बाल रखने चाहिए। पर यहां पर अभिषेक कहते हैं कि अंकिता जी ने अगर उनसे ये कहा है तो अब वो इसी तरीके के बाल रखेंगे, क्योंकि भाभी जी की बातों को हमेशा मानना होता है। जी हां, अभिषेक इस वक्त घर के अंदर काफी ज्यादा चिल दिखाई दे रहे हैं और वो अंकिता, विक्की और घर के बाकी सभी कंटेस्टेंट से काफी अच्छे तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। वह अंकिता कहती है कि पता नहीं लड़के इस तरीके के बाल क्यों रखते हैं, क्योंकि जिस जैसी हेयर स्टाइल अभिषेक की अभी है वैसे में अभिषेक ज्यादा अच्छा लगता है। वह अभिषेक कहते हैं कि कई लड़कियों को बड़े बाल पसंद होते हैं लड़कों के, और कई लड़कियों को छोटे बाल भी पसंद होते हैं। वह यहाँ पर विक्की जो है वो भी जोक क्रैक करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को इतनी वैरायटी चाहिए होती है, लेकिन लड़कों को तो सारी ही लड़कियां पसंद आती है। वह यहाँ लड़कियों के बारे में ही और भी ज्यादा मजाक मस्ती विक्की करते हुए नजर आते हैं, जिस पर मुनव्वर और अंकिता ऑब्जेक्शन उठाते हैं। पर अंकिता विक्की से साफ तौर पर कहती है कि लड़कियों के लिए इस तरीके की बातें विक्की ना बोले, क्योंकि ये गलत है और उन पर उल्टी पड़ सकती है। पर मुनव्वर भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी इस तरीके के जोक्स क्रैक होते हैं ना वो उन पर हंसते हैं और ना ही उन पर कोई ज्यादा रिएक्शन देते हैं। मुनव्वर कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके के जोक से तो मैं बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी इस घर में मेरा इतना ज्यादा बुरा इमेज दिखाई गई है लड़कियों के मामले में। मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा मेरे साथ इस सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और समर्थ और ईशा के बारे में भी बातचीत कर रहे होते हैं। वल्लभ अभिषेक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ईशा जो थी उनके लिए वो काफी ज्यादा सीरियस हुए थे और लड़कियों के साथ उन्हें सीरियस रिलेशनशिप में आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अभिषेक कहते हैं कि वो लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा टाइम लेते हैं परफेक्ट लड़की को ढूंढने के लिए। वेल, ईशा की काफी ज्यादा अंकिता यहाँ पर तारीफ कहती हुई नजर आती है और कहती है कि ईशा परफेक्ट है, वो जिसके साथ भी रहेगी वो उसे हमेशा खुश ही रखेगी। वेल, आपका अंकिता की विक्की को दी इस एडवाइस पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।